सो फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स एक और जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई है और ये पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है, घर बैठ के आपको काम करना है। पार्ट टाइम का वैसे मतलब क्या होता है? पार्ट टाइम का मतलब होता है ना कि 5 घंटे का टाइम देना है एक दिन में, बट इस जॉब में आपने 5 घंटे का टाइम नहीं देना, सिर्फ 1 या 2 घंटे का आपने टाइम देना है और इसमें 5 days in a week होगा। और ये जो जॉब है माय फ्रेंड्स कोई भी कर सकता है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो ग्रेजुएट है, चाहे वो फ्रेशर है, चाहे वो एक्सपीरियंस है, सब कर सकते हैं इस जॉब को। घर बैठे आराम से काम करना है और एक अच्छी कंपनी में मौका मिल रहा है आपको काम करने का। कोई लल्लू पंजू कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी में आपको काम करने का मौका मिल रहा है और काम भी कोई टफ नहीं है, हर कोई बंदा कर सकता है, हर कोई इंसान इस काम को आराम से कर सकता है और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी और कंपनी के बारे में आपको बताया भी जाएगा। तो चलिए जानते हैं सारी डिटेल्स किस कंपनी में ये जॉब निकली है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलती है और यहाँ पे जॉब रिलेटेड वीडियोस, ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस आती रहती है, तो सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं सारी डिटेल्स इस जॉब के बारे में। सो फ्रेंड्स ये जो जॉब निकली है अप्लाई एट स्केल कंपनी में निकली है। अप्लाई एट स्केल जो कंपनी है बेसिकली ये हेल्प करती है जॉब सीकर्स को जॉब दिलाने में, उनको हेल्प करती है कि कैसे जॉब अप्लाई करना है और उनको अलग अलग इंटरव्यूज कंडक्ट करवाती है, उनके लिए बेसिकली कंपनीज ढूंढती है ताकि वो आराम से जॉब ले पाएं। तो बेसिकली ये जॉब सीकर्स को हेल्प करती है, तो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, तो आपको इस कंपनी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें बेसिकली आपको क्या हेल्प करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ हेल्प करना पड़ेगा जॉब सीकर्स को। आपने जॉब सीकर्स जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन पूरी हो चुकी है, उनको हेल्प करना है जॉब फाइल करने में, जॉब एप्लीकेशन फाइल करने में, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने में, उनके स्किल्स को पता करके, उनकी क्वालिफिकेशन को पता करके उनको रिकमेंड करना कि भाई ये जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी। तो ये आपका बेसिकली काम होगा और ये सिर्फ आपने 2 घंटे दिन का करना है, 1 या 2 घंटे दिन का करना है और इसमें जो वर्किंग होगा वो सिर्फ 5 days in a week होगा, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन आपको काम करना है। तो इतनी ही इसमें जॉब होगी, एक अच्छी कंपनी है। ये जो पोस्ट है ये कैरियर एसोसिएट की निकली है पार्ट टाइम जॉब की। इसकी सारी डिटेल्स वन बाय वन जानते हैं कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर लूंगा, लिंक आप अपने मोबाइल पे भी खोल सकते हैं या फिर आप लैपटॉप में जाके खोल सकते हैं। तो मैं लैपटॉप में इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि जैसे मैं बोलता हूं ताकि स्क्रीन क्लियर नजर आती है, आपको आराम से सब कुछ दिख जाता है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं और अप्लाई कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये कंपनी है अप्लाई एट स्केल, ये कंपनी है बेसिकली जिसमें जॉब है पार्ट टाइम की कैरियर एसोसिएट। तो इसमें बेसिकली आपका क्या रोल होगा, आपको बेसिकली स्टूडेंट्स या फिर जॉब सीकर्स को हेल्प करना है उनके जॉब एप्लीकेशन भरने में। तो बेसिकली अगर हम डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो इसमें देखिए आपने सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ जॉब सीकर, जो भी जॉब देख रहे हैं उनके बिहाफ पे आपने जॉब एप्लीकेशन बेसिकली आपने फिलअप करना है, रिसर्च में आपने हेल्प करना है जॉब की और कम्युनिकेट करना है जॉब सीकर के साथ, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, जितने भी स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, जो भी है उसके बेसिस पे बेसिकली उनको जॉब बतानी है। तो उनकी जो एबिलिटीज है, उनकी क्वालिटीज है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको जो है उनके लिए जॉब ढूंढनी है और जॉब सीकर को बताना है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसकी स्टेटस क्या है और गाइडेंस देना, सपोर्ट देना थ्रू आउट द प्रोसेस और उनकी जो प्राइवेसी है जॉब सीकर की, जैसे उनकी जॉब सीकर की कोई भी डिटेल्स है उनको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, किसी को बताना नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपको पूरा सपोर्ट एंड असिस्टेंस देना पड़ेगा जॉब सीकर को ताकि वो जो है एक अच्छी जॉब ले पाए, एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट उनको मिल पाए। तो बेसिकली ये आपकी जो है डे टू डे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका जो है स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, जो डिटेल है उसको ध्यान से उसको आपने देखना है। एक्सीलेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, स्पेशली इंग्लिश में, आपकी रिटन हो वर्बल हो दोनों में आपकी इंग्लिश जो है फ्लुएंट होनी चाहिए और मल्टीटास्किंग आप कर पाए और घर से काम करना है कंफर्टेबल हो आप घर से काम करने में। यूएस जॉब मार्केट्स के बारे में आपको पता हो, ये मैंडेटरी नहीं है बट पता होगा तो आपको प्रेफरेंस पहले दी जाए। तो इसमें बेसिकली आपका क्या होगा, पार्ट टाइम जो काम होगा 1 से 2 घंटे का ही सिर्फ काम है और 5 दिन आपके काम है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स है, कोई रिजिड आवर्स नहीं होंगे कि इसी टाइम पे आपको काम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट आपको मिलेगा और बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा बहुत, और आपकी ट्रेनिंग्स भी होती रहेंगी। कौन अप्लाई कर सकता है, बेसिकली देखिए इसमें आपका वर्क फ्रॉम होम है तो आपके पास एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है। 2 हफ्तों में बेसिकली आप स्टार्ट कर पाए और एटलीस्ट आप 2 महीने तो कम से कम काम करें इनके लिए, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली ये सारा जो है ये है बेसिकली, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है। 18 प्लस बेसिकली आपकी एज होनी चाहिए, ग्रेजुएट्स होंगे तो आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो एनीबडी कैन गो फॉर दिस जॉब, 18 प्लस बस आपकी एज होनी चाहिए। तो इसमें देखिए अप्लाई कैसे करना है, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है,
यहाँ पे देखिए आपने एक इंटरव्यू, एक स्क्रीनिंग होगी जो आपने बेसिकली एक रिकॉर्ड करानी है। बेसिकली इसमें क्या है, बेसिकली आपने एक इंटरव्यू अपना देना है, अपने बारे में आपको बताना है। वो देखना चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, आपकी बात करने का तरीका कैसा है, वो सब ये देखना चाहेंगे। तो ऐसी जगह पे आप ये रिकॉर्ड करिएगा जहाँ पे एक तो वाईफाई सिग्नल स्ट्रांग हो और वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी नॉइस ना आए। तो अपनी सराउंडिंग्स चेक कर लीजिएगा, कोई हल्ला गुल्ला ना हो, तो ऐसे में आप ये जो है रिकॉर्ड करिएगा। और आई कॉन्टैक्ट अगर आपका कैमरे से नहीं हो पाता तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कंफर्टेबल होके आपने जो है ये इंटरव्यू कंडक्ट करना है। ये जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप। यहाँ पे नीचे आएंगे, गेट स्टार्टेड में आपने क्लिक करना है। तो गेट स्टार्टेड में क्लिक करेंगे, ये देखिए कैमरा स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो ये देखिए कैमरा आ गया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है आपने स्क्रीनिंग अपने बारे में बताना है, एक मिनट में बताना है, इंग्लिश में बताना है। सो बेसिकली देखिए मेन मेन चीज बताइएगा कि आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कैसे मतलब कि हेल्प करेंगे जॉब सीकर्स को। तो आपने जो है कम्युनिकेशन एक तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, पहले से लिख लीजिएगा और पहले से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेन मेन चीज बताइएगा, अपनी क्वालिफिकेशन से लेकर अपने स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बताइएगा, कॉन्फिडेंस से बताइएगा। कैमरे को नहीं भी देखते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आप जो रिकॉर्डिंग करेंगे प्रॉपर एक ऐसे स्पेस पे करेगा जहां पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो यहाँ पे रिकॉर्ड बटन है, रिकॉर्ड नाउ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो ये देखिए 3, 2, 1 करके आपका ये आपकी रिकॉर्डिंग आपकी शुरू हो चुकी है। सो माय नेम इज हैरी, आई एम फ्रॉम फन इन्फोमेट्रिक्स। सो ऐसे आप रिकॉर्ड करके स्टॉप रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका जो है अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपने री रिकॉर्ड भी आप कर सकते हैं या फिर सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है, तो ये करके आपने नेक्स्ट में कर देना है। नेक्स्ट में फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर देना है, सेव कर देना है। तो आपको ये जो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर वो दीजिएगा जो आप रेगुलर यूज करते हैं और कभी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं पे आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा। अब देखो दिन का पता नहीं होता, कई बार एक दिन में आ जाए, दो दिन में आ जाएगा, 10 दिन 15 दिन, कई बार महीना, 2 महीने, कभी भी आपको कॉन्टेक्ट किया जा सकता है उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो अपना वही ईमेल एड्रेस और फोन नंबर दीजिए जो आप रेगुलर यूज कर रहे हो और इन टच हो। तो वहां पे सेव करके ये आपकी जो है प्रोफाइल, आपकी स्क्रीनिंग, आपका इंटरव्यू चला जाएगा और उनकी जो एचआर टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स ये थी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो प्रेफरेंस थोड़ी ज्यादा दी जाएगी, वैसे 12th पास भी अप्लाई कर सकता है। बस मेन चीज इसमें ये है कि आपकी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली आपके लिए ये जॉब इजिली आपको मिल जाएगी। और 18+ आपको होना चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट्स होती है हर कंपनी की, और कोई भी अप्लाई कर सकता है इस जॉब को। तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, पार्ट टाइम सिर्फ काम करना है, हाउसवाइफ है, वर्किंग है, फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए, और ऐसे जॉब रिलेटेड वीडियोस और भी आएंगी, पार्ट टाइम वर्क हो, चाहे वो फुल टाइम वर्क हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो। तो बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिले और सबसे पहले आप अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक जरूर करिएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।